सर इलेक्ट्रॉन का तो पता नहीं, प्रोटॉन बहुत है सर। बच्चों ज्यादा बड़ी सारी क्या आपको? आई कैन क्लियरली सी, नहीं उतनी भी नहीं है, ठीक है। मैम तो बच्चों को इलेक्ट्रॉन थोड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर दिक्कत हो रही है थोड़ी। बच्चों तुम्हें कोई ना अट्रैक्ट करना ना डिस्ट्रैक्ट करना, तुम्हें कुछ भी करना, तुम क्या हो बताओ? एकदम एकदम शांत, एकदम सुन लो सब। भाई बच्चे क्या हुआ, सो रहे हो क्या? सब कुछ तो बताओ सर वो न्यूट्रॉन में चले गए, न्यूट्रल है सब। सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा अरिजीत सिंह वाला आज। ऐसा कैसे हो सर? ये बात तो आपको पहले बता दी थी। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर। अब कैसा लग रहा है? सर अभी दिखे तब तो मैं बताओ, एक सेकेंड, अभी अभी दिखेगा। बढ़िया सा ये अब बढ़िया सा ये है बात। बच्चों बाकी जो ये हमारे पास बच्चे हैं, यशिका, सहिष्ठा, नैना, इंद्रेन, आप बच्चों और नींद में रहो। अभी आपको बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, मैं उनसे ज्यादा शोर मचाऊंगा, आप टेंशन मत लो। कोई इलेक्ट्रॉन आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, टेंशन मत लो आप। लेकिन आप नींद में रहो और भी ज्यादा। सर आपने रोमा मैम से करा था? रोमा मैम से? हाँ जी रोमा सर। मैम से क्या हो गया भाई बताओ? नहीं मतलब मैं पूछ कंसर्न करा था सर आपने, मतलब उसके लिए वर्कशीट के लिए। वर्कशीट बच्चों आपको अब भी नहीं मिली क्या? भगवान मिलेगी वर्कशीट तो मिलेगी। सर मुझे लग रहा है आप कंसर्न नहीं करते, सिर्फ सर आप चले जाते हैं ऐसे ही, मतलब ऐसे ही बोल देते होंगे और जाते नहीं होंगे सर आप। अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर वर्कशीट बनी हुई है आपको देनी है तो उसे मैं अपने पास रखकर करूंगा क्या बताओ? ये बात भी ठीक ही है, वो भूल मान लेता हूँ सर। गिव हर अलमोंड्स लिटिल बिट। बच्चों करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो इस क्वेश्चन के लिए भी आप एक फॉर्मूला नोट कर लो। देखो इस फॉर्मूले में अब यहां हमारे पास डिफरेंस होगा, नए इंटरनल मिलेगा आपको पीडीएफ एकदम टाइम पे मिलेगी इंटरनल। अब चलो आपको पीडीएफ मिलेंगी 10, टेस्ट में स्कोर बताओ कितना था इस बार? चलो फिर तो मिल जाएगी एसएससी या फिर बैंक। अब तो बच्चों मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, जो आपके पास है वो भी आप सेंड कर देना वापस मुझे ही। देखो हमने जो कल एक क्वेश्चन करा था जहां हमारे पास टोटल टाइम गिवन था, टोटल टाइम में बस यहां हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव था, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लो और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बच्चों मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ आएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो ये तो सेम फॉर्मूला जो पहले भी करवाया था आपने। नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, उसमें नीचे पॉजिटिव था प्लस था और इसमें माइनस है। चंद्रिका बहुत बुरा दिन रहेगा, टेंशन मत लो, एग्जाम में आए ना आए टेस्ट में जरूर मिलेगा। देखो अब इस क्वेश्चन में S1 और S2 तो आपके पास जा रहे हैं 30 और 40, तो इनको तो आप पुट कर दो। S1 की वैल्यू है 30, S2 की वैल्यू है 40 अपॉन 40 माइनस 10।
अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन में हमारे पास टी की वैल्यू कितनी होगी? आप ये बताओ इस क्वेश्चन में टी की वैल्यू कितनी होगी? भाई टी की वैल्यू होगी हमारे पास 15। आपको बस इस टी की वैल्यू को थोड़ा सा समझना है। देखो अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेम है, अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेम है, देखो फर्स्ट कंडीशन है 10 मिनट लेट, इसमें तो देखो वो एकदम 30 है, 10 कहां पर है बताओ। देखो इस क्वेश्चन में अब टी हमारे पास क्या होगा, आप ना इन दोनों कंडीशंस को देखो, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तब आप दोनों को ऐड करोगे, अगर ये दोनों सेम है तो फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो हमारे पास है 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्लियर, दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब आप दोनों को ऐड करो 15 मिनट्स, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। अगर ये दोनों सेम होते 10 मिनट लेट 5 मिनट लेट, अगर ये दोनों बातें सेम होती 10 मिनट लेट 5 मिनट लेट, तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी होती, फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। भाई आपके पास दो ही तो कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों अलग अलग हो टाइम, या फिर ये दोनों सेम हो। अगर ये अलग अलग है तब आप इनको ऐड करोगे और सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे। बताओ बच्चों बात समझ आई? तो बताओ अब यहां से हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी हमारे पास 30 किलोमीटर, 180। वेरी गुड रोहन, डिस्टेंस होगी हमारे पास 30 किलोमीटर। बताओ बच्चों बात समझ आई? सॉरी सेम सेम वाली लाइन एक बार फिर से बोलिए। आप ये बताओ क्वेश्चन समझ गए दीपक? जी सर। इसको ना फिर हटाते हैं। देखो S1 और S2 ये तो आपके पास जा रखती है जी। आपको बस थोड़ा सा इस टाइम को करने में दिक्कत हो सकती है, आप बस इन दोनों को देखो, ये है 10 मिनट लेट और ये है 5 मिनट अर्लियर। पहले आप ये बताओ दोनों ये बातें सेम है या फिर अलग अलग है? बताओ बच्चों 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्लियर ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? बच्चों और नींद बताओ, फुल एकदम फुल नींद। 10 मिनट लेट पहुंच रहा है और ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। हाँ तो ये दोनों बात दीपक सेम है या फिर डिफरेंट है? डिफरेंट है बिल्कुल। अगर दोनों अलग अलग बातें हैं तो फिर आपको टाइम को ऐड करना पड़ेगा, फिर हमारा टाइम होगा 10 प्लस 5। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेम होती, सेम मीन्स यहां भी हमारे पास अर्लियर होता, तो फिर अब आप बताओ टाइम क्या होता? अगर ये दोनों सेम है तो फिर टाइम कितना होता? 5, 10 minus 5। फिर इन दोनों का डिफरेंस जस्ट लाइक वी डू इन द प्रॉफिट एंड लॉस, 20% प्रॉफिट एंड 20। ओके ओके बताओ बच्चों बात समझ आई? अगर टाइम ये दोनों बातें सेम है तो फिर आप टाइम के प्लेस पर डिफरेंस लोगे, अगर दोनों बातें अलग अलग हैं फिर आप टाइम को दोनों को ऐड करोगे। अभी वो क्वेश्चन भी आएगा, देखो आ गया ना हमारे पास। बच्चों मुझे पहले ही पता रहता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में किसकी तस्वीर बनी हुई है वो पहले से पता है। बताओ इसका आंसर कितना होगा? यहाँ भी देखो फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई T।
अब देखो यहाँ भी आपको S1 और S2 में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, 10 और 15। अब आप इस क्वेश्चन में बस T की वैल्यू बता दो कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन है सेम, 5 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेम है तो टाइम कितना होगा 10 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, बस यहां से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो। हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी 10 किलोमीटर। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब ना इसी क्वेश्चन में, चलो पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बच्चों थोड़ा फास्ट फास्ट बोला करो। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पर्सन है अगर आपको इसका एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना हो, भाई अगर ये पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट लेट होगा, अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट लेट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसके ऑफिस पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा तो बताओ बच्चों एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? भाई ऐसा क्वेश्चन भी तो कभी फ्यूचर में आ सकता है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है ऐसा कुछ भी, बताओ एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? देखो एग्जैक्ट टाइम तो एग्जैक्ट टाइम होगा, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या, भाई कोई ऐसा टाइम तो होगा जब वो ऑफिस पहुंचेगा, बस वो टाइम बताओ उसको ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 15 मिनट ले, अगर 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट ले, तो आप ये बताओ उसको ऑफिस पहुंचने में टाइम लगेगा कितना, कितने आवर्स उसको ऑफिस पहुंचने में लगेंगे? बच्चों ये सोच चीप क्वेश्चन है अगर आप इसको रीड करोगे अच्छे से तो। बताओ दीपक कितना टाइम लगेगा, पूरा फोकस आपका ये बस पढ़ाई पे है, बताओ स्पीड नहीं टाइम बताओ उसको टाइम कितना लगेगा पहुंचने में? अब आप ये बताओ डिस्टेंस फाइंड आउट करने में आपको कोई दिक्कत, दिल में कोई दर्द? बताओ देखो आपके पास डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा बताओ? बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा बात की गहराई में नहीं गए। देखो डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर, डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर, ये जो पर्सन है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कितना टाइम लगेगा बताओ? बच्चों ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, 10 को 10 से डिवाइड करना, इस पर्सन को कितना टाइम लगेगा 1 आवर में 60 मिनट, अगर वो पर्सन 60 मिनट में पहुंचेगा तो 15 मिनट लेट है, तो उसके ऑफिस पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? भाई अगर वो 60 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा है तो वो 15 मिनट लेट है तो उसके ऑफिस पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? 45 मिनट। इसका मतलब 45 मिनट को उसको ऑफिस पहुंचना था लेकिन वो पहुंचा है 60 मिनट में तो 15 मिनट्स लेट है, तो अगर इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना हो तो वो होगा 45 मिनट। बताओ बच्चों बात समझ आई? वैसे इस क्वेश्चन में बस हमें डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी थी,
ओरिजिनल टाइम फाइंड आउट करना, बच्चों बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। अब सब बच्चे आंसर बताओ। S1 और S2, इसमें तो आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। इस क्वेश्चन में भी टी बता दो कितना होगा। बस आपको इस टी को ही समझना है, टी की वैल्यू होगी 12 मिनट। अब बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा। भाई आप ये बताओ, ये क्वेश्चन हर किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया या फिर किसी को कोई डाउट? डाउट तो वैसे तुम्हें आ ही नहीं सकता, आज तक तुम्हें डाउट नहीं आया। बस ये होगा आंसर। टाइम कितना होगा भाई, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, इसमें तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, फिर आप धीरे धीरे करके पूछोगे, तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको इसे कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं। कुछ गड़बड़ हो गई क्या बच्चों? डिस्टेंस होगी 35 अपॉन, नहीं वो गड़बड़ भी होगा, 5। सेवन बाई फाइव आएगा। दीपक बहुत देर बाद बोलिया। ओ मैं सर, दीपक की जान को तो आफत ही आफत, तो बोले तब भी दिक्कत, तो प्रॉब्लम, और ना बोले तो प्रॉब्लम। सर आपने 25 को 5 से डिवाइड किया, फिर वहां पे 25 ही लिख दिया। सर भी जीनियस है। डिस्टेंस होगी हमारे पास 7/4 किलोमीटर। सर जो अभी आपने टाइम पूछा था, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? वैसे क्वेश्चन कभी एक बार आया था, एक बार एसएससी में, सीपीओ में, और एक दो बार कैट में। तो अगर टाइम फाइंड आउट करना भी हो तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक जी। डिस्टेंस आपके पास आ गई, स्पीड आपको गिवन है, बस फिर टाइम फाइंड आउट करने में क्या करो। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक मैन है वो डिस्टेंस को स्कूटर से कवर करेगा, अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो उसको 40 मिनट्स कम लगेंगे, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दे तो उसको 40 मिनट्स ज्यादा लगेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? बताओ बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, करो थोड़े से दिमाग का यूज। सर एक्स मान के करेंगे क्या? चलो एक्स से बताओ कैसे करोगे। सर डिस्टेंस कवर कर रहा है स्कूटर से, स्पीड बढ़ा ले 3 किलोमीटर, ठीक है, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा सर, उसके बाद और 40 मिनट कम ले रहा है और वहां पे ज्यादा ले रहा है, तो वो तो ऐड हो जाएगा। अभी वो क्वेश्चन नहीं है,
कम ले रहा है तो ज्यादा ले रहा ऐड हो जाएगा। वहां आपके पास ओरिजिनल स्पीड होती थी, देखो इस क्वेश्चन में ना आपको स्पीड गिवन है, एक पर्सन वो किस स्पीड से चलेगा 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ आपके पास स्पीड गिवन नहीं है, यहाँ पहले आपको स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब पहले आपको ना स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर स्पीड के बाद आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताओ इस क्वेश्चन में स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एकदम मेरी तरह। बताओ देव कैसे फाइंड आउट करोगे? टू इक्वेशन बनाकर, इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ? सर पहले स्पीड लेंगे x, फिर इंक्रीज हुई 3 किलोमीटर से तो x प्लस 3 अपॉन में डिफरेंस। अगर x के प्लेस पर s कर ले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत सारे बच्चों के दिल के दर्द कम हो जाएंगे, बार बार आप x x करते हो, s कर लेते हैं। चलो अब बताओ। हाँ सर यहाँ पे एक्स है, फिर इसने इंक्रीज करके अपनी स्पीड तो एस प्लस 3 हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 40 और नीचे डिफरेंस हो जाएगा इनका 3। ये अभी हमारे पास डिस्टेंस, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ऐसी फिर सेकंड भी बना देंगे और फिर इनको इक्वल रख देंगे क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। वेरी गुड चंद्रिका, फीलिंग प्राउड विद 11 अदर्स, क्योंकि इसमें दो तो हम ही है। बहुत अच्छे। देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है भाई, अभी अभी हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करी थी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला था ना। अब आप क्या करो, देखो एक मैन है, उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। सपोज इस स्कूटर की स्पीड है हमारे पास एस, ये जो स्कूटर है ना, सपोज इस स्कूटर की स्पीड है एस, अब हमने इसको 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास एस वन मल्टीप्लाई एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 मल्टीप्लाई टाइम। अगर एक पर्सन अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो उसको कितने मिनट्स कम लगेंगे बच्चों? 40 मिनट्स। अब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में अप्लाई करा था। अब उसके बाद फिर से देखो, अगर ये अपने स्कूटर की स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दे, अगर फिर से हमारे पास स्कूटर की स्पीड है एस, हमने इसको 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2। और अगर ये अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दे तो इसको टाइम कितना लगेगा? 40 मिनट्स ज्यादा। अब डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन से इक्वल ही होगी, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस इक्वल है। बताओ बच्चों बात समझ आई? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो अब ना हम सबसे पहले यहां से स्पीड फाइंड आउट करेंगे। और स्पीड बताओ कितनी होगी? ओरिजिनल स्पीड मीन्स एस की वैल्यू कितनी होगी बताओ बच्चों? यहां से हमारे पास s की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? मेरे को चलो मैं यही इसको सॉल्व कर देता हूँ। s से s हमारे पास कट जाएगा, ये कितना होगा 2s plus 6 equals to 3s minus 6। तो बच्चों s की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो स्कूटर है, इस स्कूटर की ओरिजिनल स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आई बच्चों स्पीड। इसमें किसी को कोई डाउट? देखो
देखो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, ओरिजिनल स्पीड आपने फाइंड आउट करी बच्चों 12। अगर आपको स्कूटर की ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी होती तो वो कितनी होती बच्चों 12। अगर आपसे कोई स्कूटर की न्यू स्पीड पूछे, स्कूटर की न्यू स्पीड कितनी होगी, वो कोई मैन कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। 15 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 अपॉन 14 अपॉन 6। या तो आपसे ओरिजिनल स्पीड पूछेगा या फिर आपसे डिस्टेंस पूछेगा। अगर ओरिजिनल स्पीड आपसे कहीं पूछी जाए तो वो होगी 12, और अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो इस फॉर्मूले में एस के प्लेस पर 12 पुट कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस का ही है। बताओ बच्चों बात समझ आई, बताओ डिस्टेंस कितनी होगी। 40। देखो जहां भी आप ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे तो इस बात को आप नोट कर लो, आप ऑलवेज इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। जहां भी आपको ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आप ऑलवेज इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे और क्वेश्चन आएगा भी इस कॉन्सेप्ट पे यही। बताओ बच्चों कोई डाउट, थोड़ी देर की बात हो ना बच्चों, एकदम एक्टिव रहो। बताओ इसका आंसर कितना होगा, करो सवाल। सर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वैसे? देखो मार्क्स तो सेम ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना हार्ड क्वेश्चन होता है तो 5 मार्क्स का आता है। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मतलब जैसे आएगा तो कितने मार्क्स का है, मतलब 1 2 कितने मार्क्स का है। आप ये बताओ, आप जो एग्जाम में एग्जाम पेपर करके आते हो उसमें अलग से कहीं मार्क्स लिखे होते हैं क्या? ये क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, ये 5 मार्क्स का। नहीं सर मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, जैसे होता है ना कोई टॉपिक की, हाँ ये इतना मार्क्स कंटेन करता है, दैट्स इट, तो वो पूछ रहा था मैं। टॉपिक की बात पूछ रहे हो, मैंने सोचा हाँ जी एक क्वेश्चन, ना जी ना पर्टिकुलर इजी सा, पर्टिकुलर तो सर ऐसे कोई बता भी नहीं सकता ना। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा इजी सा, वो भी इजी आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। बताओ अब वो भी नहीं होगा, नहीं इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक, इजी भी नहीं होगा तो फिर आपको पिटाई होगी ना। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है, इससे आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हो, जितना आपका मन करे उतना डिफिकल्ट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा। बताओ हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, भाई बाकी सब भी ट्राई करो, अच्छा सा क्वेश्चन है, या फिर बस नोट्स बनाने में ध्यान है आपका। अगर आपने कार की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, तो न्यू स्पीड कितनी होगी, s प्लस 6, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस का। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, अगर हम कार की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दे, सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, न्यू स्पीड कितनी होगी s माइनस 6, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। और डिस्टेंस तो दोनों सिचुएशन में इक्वली होगी, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस होंगी इक्वल। यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले s की, s की वैल्यू जो भी आए उसको यहां पुट कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। बताओ बच्चों s की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू होगी हमारे पास, देखो यहां तो सब कुछ ही कट जाएगा, एस की वैल्यू है हमारे पास 30। इस वैल्यू को बस इक्वेशन में पुट करो, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 4, तो डिस्टेंस कितनी होगी 720 किलोमीटर।
बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो अगर आपके पास ओरिजिनल स्पीड है तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, एस वन मल्टीप्लाई एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल स्पीड नहीं है तो फिर पहले आपको ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे, और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। बताओ बच्चों, बातें समझ आई आपको? देखो ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें तो आपको एकदम एक्टिव रहना चाहिए। करो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई। देखो एक ट्रेन है वो अपने से डबल लेंथ की टनल को, नहीं अपने से हाफ लेंथ की टनल को 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? 1 मिनट। आपको फाइंड आउट करना है अगर ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को क्रॉस करे तो इसको कितना, और अपनी इसकी स्पीड को कर दो आप 60%, तो इसको कितना टाइम लगेगा? करो ट्राई। तो इसमें जो 60 की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वैसे लेके करेंगे? नहीं अभी आप करो, आपको जैसा समझ आए। ठीक जी भाई, इसकी स्पीड फाइंड आउट करो मीटर पर सेकंड में और उसके बाद उस स्पीड का 60% ले लो आप। बताओ इसमें का आंसर कितना होगा? रोहन कितना होगा आंसर? तनिष्क कितना होगा आंसर? यशिका आप भी बताओ, आपको आजकल बातें क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रही यशिका? देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मूले पे बेस आएगा, एकदम सिंपल सा। अब ये बताओ सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी? हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? टनल की लेंथ है एक्स, ट्रेन की लेंथ है 2x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 3x इक्वल्स टू स्पीड कितनी है हमारे पास? 72 किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। देखो 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होगी बच्चों? आप मिनट को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। अब ना यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। 3x इक्वल टू 1200, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 400। 3x इक्वल टू 1200, x की वैल्यू होगी 400। x की वैल्यू है 400, तो बच्चों टनल की लेंथ कितनी होगी? 400। डिस्टेंस 3x अपॉन 2 क्यों होगी? नहीं, हमने ट्रेन की लेंथ 2x एज्यूम कर ली ना, आपने x और x अपॉन 2 एज्यूम करी होगी। हमने ट्रेन की लेंथ को 2x एज्यूम कर लिया, टनल की लेंथ इसकी हाफ होगी x। तो देखो टनल की लेंथ है हमारे पास 400, तो
तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 800। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट, बोलो बच्चों। नमस्कार बच्चों, आप इतने सुस्त रहते हो ना, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं फिर भी आप एकदम सुस्त हो, थोड़े से एक्टिव रहा करो। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है, अगर ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को क्रॉस करेगी, अगर ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को, मतलब इस ट्रेन की लेंथ है हमारे पास 800, ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ है हमारे पास 800, तो जो सेकंड वाली ट्रेन होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ है 800, सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? इस ट्रेन की लेंथ की डबल 1600। अब आपको फाइंड आउट करना है इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 800 प्लस 1600 2400, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2400 इक्वल्स टू, और अपनी स्पीड के अगर 60% से मूव करे, अगर ये ट्रेन अपनी स्पीड के 60% से मूव करे, आप ये बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको आप 60% से मूव कराओगे तो इसका 60% कितना होगा? 12। तो आपको यही फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस है आपके पास 2400, स्पीड है हमारे पास 12, टाइम फाइंड आउट करना है कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा बच्चों? 200 सेकंड। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर कोई डाउट? देखो अब ना आप एक बात समझो, ये ना हमारे पास एक डेस्टिनेशन है, ये एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और इसके पीछे से हमारे पास एक ट्रेन आएगी जिस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये बताओ अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनकी रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? भाई एक ट्रेन मूव करेगी आपके पास 50 किलोमीटर से, दूसरी ट्रेन मूव कर रही है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये जो इसकी सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड 10 ज्यादा है, ये तो इसकी रिलेटेड स्पीड होगी। भाई ये पर आवर इससे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा मूव करेगी ना, इसका मतलब अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? S1 - S2। बात समझ आई बच्चों? आपको तो बस इतना समझना है अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 - S2, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, एक ट्रेन आपके पास इधर से चलेगी S1 स्पीड से और एक ट्रेन इधर से चले S2 की स्पीड से, तो अगर ये दोनों सेम साइड में मूव करेंगे तो इनकी रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? भाई ये इस पॉइंट पर जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे ना, तो इन दोनों की रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? S1 + S2। अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 - S2, अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 + S2। बताओ बच्चों बात समझ आई? फिर से सुन लो, अगर हमारे पास ट्रेन की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 - S2, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 + S2।
करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो एक ट्रेन है, ये किसी पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी बच्चों? 4 सेकंड्स। और एक और ट्रेन है, वो इस सेम पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? 6 सेकंड। इन दोनों की स्पीड से हमारे पास 7 और 9, तो हमें फाइंड आउट करना है अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी। सबसे पहली बात, अगर आपके पास डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, ये बात आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 minus s2, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 plus s2। हमारे पास डायरेक्शन सेम है तो सबसे पहले आप डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा सा बच्चों सोचो, अच्छा सा चैप्टर है, क्वेश्चन तो एकदम इजी आएगा एग्जाम के अंदर, आप सब उसको कर लोगे। भाई एक ट्रेन है, इस ट्रेन की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड, और ये एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी बच्चों? 4 सेकंड्स। तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 7 multiply 4 28। एक हमारे पास सेकंड ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 54। अब देखो ट्रेन की लेंथ को तो आप ऐड ही करोगे, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तब कितना होगा हमारे पास? 82। डिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड ही होगी, बस रिलेटेड स्पीड पर ही तो इफेक्ट पड़ेगा अगर डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस है 82, डायरेक्शन है सेम, तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? देखो डिस्टेंस तो ऑलवेज एड ही होगी, डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन अलग अलग कवर करेंगी ना अपनी अपनी, डिस्टेंस को तो आप ऑलवेज एड ही करोगे। रिलेटेड स्पीड पर इफेक्ट पड़ेगा अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड सब्ट्रैक्ट करोगे आप, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इनको ऐड करोगे। अब देखो हमारे पास डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? 2। आपके पास एक फॉर्मूला है अच्छा सा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 82, स्पीड है हमारे पास 2, टाइम फाइंड आउट करना है कितना लगेगा, तो टाइम कितना होगा बच्चों? 41 सेकेंड। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो स्पीड को आप ऐड करोगे क्योंकि ये जो ट्रेन है अगर ये किसी एक ही पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी अपनी लेंथ तो दोनों कवर कर रही है ना, इसलिए आप डिस्टेंस को तो ऑलवेज ऐड ही करोगे। आओ चंद्रिका इधर माइक पे आओ, आपको इनविटेशन मिला है। यस सर। हाँ जी बताओ। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो, मतलब कि थोड़ा समझाओ अच्छे से, मेरे को ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो ये ना एक पोल है, समझो एक पोल है, हमारे पास एक ट्रेन है वो इधर से आएगी और इस पोल को, ये जो ट्रेन आपके पास आएगी ना, ये इस ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन आपके पास आई और इस पोल को क्रॉस करके इसके आगे निकल गई, तो इस ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया? 4 सेकंड्स। अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करेगी, इसका मतलब इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ होगी हमारे पास 28। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब देखो एक और ट्रेन है हमारे पास,
वो इसके पीछे से आपके पास आएगी। नहीं बच्चों, हाँ बिल्कुल, एक और ट्रेन हमारे पास है, वो इसके पीछे से आपके पास आएगी। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी बच्चों? 6 सेकेंड्स। तो अब सेकेंड वाली कंडीशन में ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी खुद की लेंथ कवर करेगी, तो इस सेकेंड वाली कंडीशन में ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 54। अब आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, चाहे इनकी डायरेक्शन सेम हो या फिर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ये अपने अपने डिस्टेंस तो दोनों कवर करेंगी भाई। अगर ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगी तो अपने डिस्टेंस को भी क्रॉस करेंगी, प्लस जो दूसरी ट्रेन है उसको भी तो क्रॉस करेंगी, इसीलिए डिस्टेंस को आप ऑलवेज ऐड करोगे। बात समझ आई भाई? अगर ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी तो एक तो ये ट्रेन अपनी लेंथ को भी कवर करेगी, प्लस जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लेंथ, उसको भी तो क्रॉस करके आगे जाएगी ना, तो उसकी लेंथ को भी कवर करेगी, इसलिए हम डिस्टेंस को ऑलवेज ऐड करते हैं। अगर अपोजिट होगा तो डिस्टेंस तो फिर भी ऐड होगी भाई। अगर एक ट्रेन, देखो पहले ये बताओ, ये बात समझ आई आपको? अभी अपोजिट वाला भी देखेंगे केस। देखो ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन ना आपके पास चल रही है, आपके पास S1 स्पीड से। दूसरी एक ट्रेन जब इसको क्रॉस करके जाएगी S2 स्पीड से, तो ये जो ट्रेन इसको क्रॉस करके गई है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी भाई? एक तो इसने अपने आप को खुद को पूरा क्रॉस करा है, प्लस वो जो दूसरी वाली ट्रेन थी उसको भी तो क्रॉस करा है ना, तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? S1 प्लस S2। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक ट्रेन आपके पास इधर से आएगी और एक ट्रेन आपके पास इधर से आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके चले गए भाई, फिर भी तो इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करा है ना, तो डिस्टेंस तो इन्होंने अब भी दोनों की इक्वल कवर करी है। मतलब अगर इस ट्रेन की लेंथ होगी 100, इसकी भी है 100, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस को भी तो कवर करेंगी ना, तो इस कंडीशन में भी हम डिस्टेंस को ना ऑलवेज ऐड ही करते हैं, क्योंकि जो ट्रेन है चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो भाई, एक दूसरे को तो वो क्रॉस तो करेंगी ना, अगर वो क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस तो अपनी भी कवर करेंगे और उसकी भी कवर करेंगे, इसीलिए डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं। बात समझ आई बच्चों? क्रॉस तो वो दोनों हर एक कंडीशन में कर रही है ना, अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है वो तब भी क्रॉस कर रही है, अगर डायरेक्शन सेम है तब भी क्रॉस कर रही है, इसीलिए डिस्टेंस को तो हम ऑलवेज ऐड करते हैं। लेकिन जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे पास रिलेटिव स्पीड पे पड़ता है। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2। बताओ तो बात समझ आई? बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों ये, समझने वाला। बताओ बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? बताओ हेलो सर। जी, सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। सर जैसे DI करते हैं ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें चार पांच स्टूडेंट्स होते हैं और उनके मार्क्स गिवन होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो इसमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो बोलता है कि किस स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स मिला के मतलब हाईएस्ट बन रहे हैं। तो सर इस क्वेश्चन को मैं कभी जैसे कर सकते हैं, एक स्टूडेंट के सारे कैलकुलेट करे फिर दूसरे के, तो फिर ऐसे? पर मैंने ऐसे किया नहीं, जैसे मैंने देख लिया कि स्टूडेंट के जैसे 90s में या 80s में, तो ऐसे खुद जस्ट देख के ही आंसर टिक कर लिया, वो दो तीन क्वेश्चन में ठीक हो गया। तो सर यही अप्रोच रखूं या फिर एग्जाम में सब सॉल्व करके देखूं? ये सब सॉल्व नहीं करना होगा आपको, एवरेज फाइंड आउट करना होगा ना। हाँ सर, उसमें है कि किस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा है सारे सब्जेक्ट्स को देख के, मतलब सब में उसने टॉप मोस्टली सब में ज्यादा है। तो आप क्वेश्चन एक बार सेंड करना, फिर मैं देखकर बताऊंगा अप्रोच ठीक क्या होगा।
ओके सर, ओके ओके। आंसर होगा हमारे पास 41 सेकंड्स। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी 41 सेकंड्स में। इसका मतलब जो ट्रेन आपके पास पीछे से आएगी ना, वो आगे वाली ट्रेन को 41 सेकंड में क्रॉस करके और आगे चली जाएगी। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।